पुल निर्माण कार्य को लेकर लगातार खबरें निकल के आती है। तो वहीं बीते दिनों जिस तरीके से नालंदा में घटना हुई, उसके बाद केंद्रीय जांच टीम नालंदा पहुंची है पुल निर्माण कार्य को लेकर जो है तमाम चीजों को देखते हुए। तो वहीं पिछले 18 नंबर को बेना थाना क्षेत्र इलाके के 54 बिग्गा चौक के समीप ओवरब्रिज का गाटर गिरने के बाद जो है एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद घटनास्थल पर जो है तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हंगामा कर रहे थे। वहीं रजौलिक से लेकर बख्तियारपुर तक फोर लेन सड़क के निर्माण को लेकर कई जगह पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो वहीं इसके बाद जो है ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान गटर गिरने के बाद एक मजदूर की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद ओवरब्रिज के गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने जो है कई सवाल खड़ा किया था। तो वहीं हंगामा भी ग्रामीणों ने किया था बीते दिनों, जिसके बाद नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभंकर को हस्तक्षेप करना पड़ा था और इसके बाद जो है जांच के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। बुधवार को दिल्ली की 3 सदस्यीय टीम जो है केंद्रीय टीम 54 बिग्घा हादसे की जांच करने पहुंची थी, जिसके बाद घटनास्थल पर टीम पहुंचकर जांच की। तो वहीं केंद्रीय टीम आने को लेकर जो है पूर्व से ही जो है NHAI के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई थी। हालांकि दिल्ली से आई हुई केंद्रीय टीम ने करीब 1.5 घंटों तक घटनास्थल की जो बारीकी है उसको देखा। तो वहीं जांच करने के बाद उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय टीम ने जो है शामिल पदाधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि अभी तो सिर्फ हमारे द्वारा इस हादसे की जांच की गई है, इसे बारीकियों से देख के लिए ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। गुणवत्ता के सवाल पर केंद्रीय टीम ने चुप्पी साध ली। तो वहीं कहा कि मामला चाहे जो भी पूरी जांच प्रक्रिया के बाद ही इसके ऊपर कुछ भी कहा जा सकता है और कार्रवाई भी की जा सकती है। कहा जा सकता है कि केंद्रीय टीम बोलने से सीधे सीधे तौर पर जो है बचते नजर आए। तो वहीं अनिल कुमार जो कि केंद्रीय टीम में शामिल सदस्य हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। अभी तो हम लोग देखेंगे ना, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा तभी तो हम लोग पता कर पाएंगे ना कोई भी चीज को। पहले देखे, आज हम लोग आए हैं तो देख रहे हैं, तो देखने के बाद ही कुछ हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। क्या लग रहा है प्रथम दृष्टि से? प्रथम दृष्टि से तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी कुछ पता चल जाता है। कितने सदस्य टीम थी सर? टीम में 3 आदमी है दिल्ली से। सर क्या जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी? अब देखिए ये तो अब जांच के बाद वो क्या निष्कर्ष निकलता है उसी के बाद ही बताया जा सकता है इसमें। सर ग्रामीणों ने गुणवत्ता पर सवाल भी उठाए थे सर, अब वो सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। कोई भी चीज़ है बिना इन्वेस्टिगेशन का कैसे पता चल।